श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय तृतीय हृदय में भगवान श्लोक संख्या 23 श्रद्धा कर्मता योगेश्वरानां गतिमाहुरन्तः बहिर्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमात्तु भर्ति विद्या तपो योग समाधि भागा शब्दा योग ईश्वरानां महान संतो तथा भक्तों का गतिम गंतव्य आहुः कहा जाता है अंतः भीतर वही बाहर त्रिलोक्याः तीनों लोकों का पवन अंतः वायु के भीतर आत्मना सूक्ष्म शरीर का न कभी नहीं कर्म भी सकाम कर्मों के द्वारा उस गति आपनुवंती प्राप्त करते हैं विद्या भक्ति तपस्या योगा योग शक्ति समाधि नाम भाजाम पात्रों को अध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी यानी पट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। तात्पर्य भौतिकतावादी विज्ञानियों द्वारा यांत्रिक ज्ञानों की सहायता से अन्य ग्रहों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक है। कदापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक पहुंच सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकतावादी कार्यों द्वारा चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म मनुष्य स्वर्ग या जन लोक से आगे नहीं जा सकता। जो अध्यात्मवादियों को स्थूल भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता, वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। भौतिक जगत के भीतर में महाजन तथा सत्य लोगों में और भौतिक जगत के पर वैकुंठ लोगों में बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का उदाहरण है और दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल एक वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक आकाश तथा परब्रह्म में कुछ भांति यात्रा की थी। स्थूल या सूक्ष्म भौतिकतावादी व्यक्ति योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते। ओ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकतामयं ददाति स्वपकान्तिकं वन्द्यं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षिजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यमेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहनं ललिताक्षकारितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु रेमद्योर जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन यमुनाम्बिका देवी परमेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रेमाञ्चलं परमेश कृपा सिंधु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हम योगियों को जो सिद्धि मिलती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और
इस श्लोक में योगी, योगी में ये दोनों आ जाते हैं, भक्ति योगी और अष्टांग योगी, और सकाम कर्मी और ज्ञानी और निपट भौतिक भोजवादी, इसके बारे में इस श्लोक में कहा गया है। जो भौतिकवादी है सिर्फ उनको इंद्र तृप्ति के अलावा कुछ नहीं मिलता है, वो और सकाम कर्मी जो कुछ कर्म करते हैं और कर्म करने के बाद उसको स्वर्गलोक तक जा सकते हैं, लेकिन वो लोग स्वर्गलोक नहीं जा सकते, यहां स्पष्ट लिखा है। ये भौतिकतावादी जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिकतावादी अवकाश यान से उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, हालांकि वो इस अवकाश में ज्यादा जा नहीं सकते हैं, फिर भी यदि जाएंगे तो स्वर्ग तक। और जो सकाम कर्मी यज्ञ करके है, यज्ञ करके वो जो स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ जो अध्यात्मवादियों की बात है, वे अपनी भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर, मतलब वही भौतिक जगत में जनलोक तपलोक महरलोक और सत्यलोक, और उसके बाद आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते, इसका वर्णन आगे आएगा। लेकिन हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि भौतिकतावादी और सकाम कर्मी या जो भी भक्ति भी है, भक्त भी है, तो भक्त की सबके मार्ग में अड़े अड़चन आती है, भक्त के मार्ग में उसको भी जैसे या आगे के पिछले श्लोक में आप लोगों ने देखा कि सर्वोच्च लोग ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की ये योगियों को ये मिलती है, उसको ये अंतराय होता है। योगी यदि भक्त करता, योगी यानी अष्टांग योगी उसकी सिद्धि प्राप्त करते हैं, उससे मतलब वो भगवान परमात्मा के दर्शन कर पाता है, उससे पहले उसको सिद्धि मिलती है। यदि वो सिद्धि में आकर्षित हो जाता है तो फिर उसका भगवान का दर्शन निकल जाएगा, वो अनिमा लगमिया लगमा की सिद्धियां, तो भौतिक सिद्धियां प्राप्त करने की या बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की इस भौतिक जगत में रहेगी, उसको उसको जनलोक जाने तपलोक जाने वहां तक उसकी इच्छा रहती है, तो वो उसमें जा सकता है। लेकिन भौतिक जगत में जाएगा तो उसको भौतिक मन बुद्धि लेकर जाना पड़ेगा, इसीलिए ये है किसकी अष्टांग योगी की सिद्धियां और भक्तों की सिद्धियां क्या है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, हमको भी सिद्धि मिलती है लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये सिद्धि को अगर हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो हम भी इसी भौतिक जगत में रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम भक्त बन के इसलिए अभी हम वैकुंठ लोक में तुरंत चले जाएंगे, नहीं, बहुत सारी बीच में कसौटी होती है। जैसे हम लोग देखते हैं ये भौतिक जगत में माया का जगत है, इसलिए वो हमको आवरण करवा के देती है, अरे तुम बहुत बढ़िया भक्ति कर रहे हो, सब तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, सही ऐसे भक्ति करो, इंद्र तृप्ति भी करो, भक्ति भी करो, चलेगा। इससे सिद्धांत क्लियर करना है हमको, हम सबको सिद्धांत क्लियर कर, सिद्धांत क्या है, यदि हम सिद्धांत में गलती करते हैं ना तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत बोलिया में चित्ते करो आलस, यहां आते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। यदि कोई सिद्धांत में गलती हो रही है तो हमें इसका डिस्कस करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं ये मजा नहीं है, ये करेंगे तो इनको गलत बुरा लगेगा, नहीं, सिद्धांत समझना बहुत आवश्यक है। ये भक्ति भक्ति मार्ग का जो भक्ति मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है, योग कर सकते हैं, ये योग कठिन दिखता है लेकिन योग कर सकते हैं, सकाम कर्म ज्ञान ये सब मार्ग से अंतिम देह भगवान ही मिलेगा, उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी, लेकिन इसलिए भक्ति योग सब सब के लिए जरूरी है। लेकिन भक्ति योग में जो प्रॉब्लम आते हैं वो समझना जरूरी है, इसीलिए भक्तों का संग करना चाहिए। तो हमको दिखाएंगे तुम गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा नहीं, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं,
लाभ प्रजा प्रतिष्ठा में बोले ना, लाभ मिलेगा प्रजा प्रतिष्ठा मिलेगा। हाँ बहुत बढ़िया प्रवचन दे दिया, वाह ये मिलेगा हमको। पर हमको समझना है कि सिद्धांत क्या है, इसीलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए। और भक्तों का संग यानी क्या, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि राजा बैठा है सिंहासन पर और वो सिंहासन में माकड़ भी है, वो दोनों है, वो राजा का संग कर रहा है और उसमें रानी भी बैठी है, वो भी राजा का संग करे, वो बग भी यानी जीवड़ा जंतु वो भी राजा का संग है, लेकिन वो राजा का लोही चूस रहा है। ये संग नहीं हमको चाहिए, ये संग नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि शुद्ध भक्त क्या है। जैसे एक भक्त मुझे बता रहे थे, प्रभु ये एक कथाकार का नाम बताया, बहुत अच्छी कथा करते हैं, मैंने सिर्फ एक बार सुना था उसको, मेरा वो मायावादी है, मायावादी है नहीं, सब लोग बोलते बहुत अच्छा भक्त है। जैसे मैंने आप बताया सुबह कि आप लोग, एक व्यक्ति बोल रहा था देखो मैंने मुरारी बापो फिर वो क्या नाम ओझा रमेश ओझा उनके साथ उसको फोटो दिखा, देखो मैं इनके साथ ऐसा ओरा हो जाता है उसका भौतिक ओरा। हाँ ये जैसे भगवान के पीछे एक ओरा रहता है जिससे हमको मालूम पड़ता है भगवान है, ऐसे ही वो लोग अपने ही ओरा बना देते हैं, देखो मैं एक बड़ा भक्त हूँ और इसके पास आएंगे तो हम यदि ऐसा संग में रहेंगे ना हम तो हमको भी ऐसा लगाएंगे तो बहुत अच्छा भक्त है, बहुत शुद्ध भक्त है। जैसे आज हमने सुबह देखा एक लड़की दीक्षा ले रही है तो सब गाड़ी में उसको जा रहे बम बम दम दम बजा रहे, इन्हें सबको क्या लगा रहे ये तो बहुत बढ़िया आध्यात्मिक वातावरण है, हाँ ये बच्ची का कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं ये सब होता है ऐसा, हाँ उसका जीवन, क्योंकि शास्त्रों में कहीं पे भी वर्णन नहीं है कि स्त्री को संन्यास दिया जाए, इवन पति संन्यास देता है फिर भी स्त्री को संन्यास नहीं दिया जाता, स्त्री अपने परिवार के साथ रहती है, अपनी बच्ची को ले जाए और लगता क्या लगे आध्यात्मिक लगता है, ओ बहुत आध्यात्मिक, और इसकी प्रेरणा पा रहा हूँ और माँ बाप बोले मेरी बच्ची को भी ले जाऊंगा, समझ रहे मेरी पॉइंट, समझ रहे कि हमें सिद्धांत समझना चाहिए, क्या सिद्धांत है सिर्फ संग नहीं, हाँ ये अच्छा संग है, सब अपनी बच्ची को भेज रहे दीक्षा देने के लिए, लेकिन क्या होगा ये सिद्धांत नहीं समझ, इसलिए जैसे मुरारी बापू है या ये हो और भी कथाकार है उनके साथ रहेंगे तो हमको चलेंगे, अरे बहुत हमको तो बहुत पुण्य मिल रहा है, अरे हम लोग तो भक्ति बहुत वैकुंठ में है ऐसा लगेगा, लेकिन ये फीलिंग सेंटिमेंटल है, हमें सेंटिमेंटल फीलिंग पर नहीं जाना है। जैसे ओ ये भक्त के साथ रहता तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होता है, नहीं ये फीलिंग नहीं, आप वो भक्तों को दर्शन करना चाहते हो, भक्तों का संग करना चाहते हैं तो सुनिए वो क्या बोलते हैं, सुनिए उससे पकड़ लेंगे हम वो क्या बोलते हैं, उससे पकड़ लेंगे कि ये भक्त है या मायावादी है या सेंटिमेंटल, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। हमें ये सीखना है, हम लोग अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, हम भागवत धर्म के ऊपर आगे चल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षा किया, ऐसे नहीं बैठ गए, अरे सॉरी परीक्षित महाराज ने परीक्षा किया किसका सुनने है किसका, बहुत सारे अध्ययनवादी उपलब्ध थे उधर, उसमें किसी ने बोला महाराज आप ये करो, किसी ने बोला महाराज आप यज्ञ करो, किसी ने बोला आप दान दो, लेकिन उन्होंने क्या किया, सुना परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से सुना, ये पहचान होनी चाहिए हमारी, ये इसको संग बोलते हैं, संग से ऐसे ये सब सेंटिमेंटल लेवल पर नहीं हमको रहना चाहिए, हमें वास्तविक संग क्या है वो समझना चाहिए। और मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि इस प्रकार का हमको संग मिलना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर हो भी जाएगा। अभी क्या है देखो, यदि कोई इस मायावती की कथा सुनेंगे ना तो सोचा अरे कितनी बढ़िया कथा करते हैं, ये लोग कितनी अच्छी कथा करते हैं, देखो 3 घंटा भी सुने तो अभी हमको लगे कि और सुनाओ, और यहाँ कोई भक्त शास्त्र के सिद्धांत की बात करेगा नींद आ रही, ये मजा नहीं आ रही उसकी कथा में, उसकी कथा में मजा नहीं आ रही, वो कथा में आपको 3 घंटा निकल रहा है, कोई शिक्षा नहीं, बस भगवान की लीला कथा, या तो शिक्षा मिलती है, थोड़ा भी इधर उधर
सिद्धांत से गए, ए प्रभु ऐसा क्यों करते हो, हमको ये किसको अच्छा लगे, कोई डांटता रहते बारम्बार डांटते रहते, इसमें ये तो सीखना है, ये तो शिक्षा प्राप्त करनी है, यही तो हमको हमारी इस भक्ति लता को बचानी है। किस प्रकार से, मैंने अभी रविवार के बताया ना, भक्ति लता के साथ साथ घास फूस उगती है, ये घास फूस, उस टाइम रविवार को लेक्चर दे रहा, ये घास फूस को हम समझ रहे हैं कि यही भक्ति है, ये लाभ पूजा प्रतीक्षा है। और यदि हम ये सिद्धांत नहीं समझ पाएंगे लाभ पूजा प्रतिष्ठा क्या है और भक्ति क्या है, तो हम लोग यही के नहीं रह जाएंगे, उसमें अटवा जाएंगे पूरा, वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, घास बढ़ेगा तो अभी समझो भिंडी की सब्जी हमने उगाई है, भिंडी की सब्जी थोड़ी होगी और उसमें इतना घास उग गया बाकी का आजू बाजू, तो हमको भिंडी की सब्जी का विकास नहीं होगा, क्योंकि घास उसी पानी पी जाएगा, खाद ले लेगा। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए एक एक चीज में। भागवत हम पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा ये लगेगा, उसमें कंटाल आएगा, अरे ये भागवत हम कैसे, लेकिन इसको पढ़ना है, इसको पढ़ने, ये सिद्धांत को समझना है। जैसे जैसे ये सिद्धांत समझेंगे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा, हम अपने आप को तुच्छ समझेंगे। जगाई मदाई हाई थे मुई से पापिष्ठ पूरी पूरी शेर की कहीं मुई से लभिष्ठ, ये कौन बोलते, चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं कि जगाई मदाई से भी मैं पापी हूं और मल के कीड़े से भी मैं तुच्छ हूं, निम्न हूं। ये सिद्धांत है हमारा, इसमें विकास होना चाहिए कि मैं तुच्छ हूं, ऐसा भाव यदि हमारा डेवलप हो रहा है वही भक्ति का एक लक्षण है। दैन्यता हमारी, ये मैं बार बार बता रहा हूं, क्यों ये जोर देना जरूरी, क्या हमें वास्तव में वो दैन्यता आई है, हमारी अमानित्व आया है, वो देखना है, क्या मैं दूसरे से मान की आशा के लिए कर रहा हूं सेवा, यदि हम वैसे करें तो उसमें अच्छा लगेगा, मान देंगे लोग सम्मान देंगे, लेकिन हमको किस प्रकार से उसको ग्रहण करना है वो समझना है, नहीं तो हम इसी प्रकार इस भौतिक जगत में रहेंगे, जैसे ब्रह्मा जी को कितना सम्मान मिलता है, लेकिन ब्रह्मा जी भौतिक जगत के हैं, कितना सम्मान मिलता है, देवताओं को इंद्र को कितना सम्मान मिलता है, लेकिन वो भौतिक है, सब देवता का थोड़ा सा भी उनके सम्मान में गलती हो गई, जैसे पृथु महाराज यज्ञ समय से 99 किया, इंद्र आया और घोड़ा चोरी सन्यासी का वेश लेकर आके घोड़ा चोरा के चल जा रहा। देखिए इतने बड़े आदमी है स्वर्ग लोग का राजा, इसकी भावना भी इसी ने, अभी हमारी तो क्या बात कर रहा, हमको यदि इतना राज्य मिल गया तो फिनिश, कितनी ईर्ष्या बढ़ सकती है, जितना हमारे पास धन होगा, जितने ऐश्वर्य होगा, जितना यश होगा, तो ये सबके पीछे ये सब आता है, यदि हमारा अभिमान नहीं निकला तो हम लोग बहुत नुकसान में हो गए। इसलिए किससे सुनना है, किससे कैसे संग करना है वो समझना जरूरी है, यदि हम संग नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं उस व्यक्ति का, तो फिर उसके ओ बहुत अच्छा मजा आ रहा है इसके साथ, ये मजा सेंटिमेंटल मजा है, प्रभुपाद का पास सुनेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा, नहीं तो प्रभुपाद के ऐसे ही जा रहे थे पाठ में बैठेंगे तो कौन उनको ये करेंगे, जब प्रभुपाद ने कीर्तन किया प्रवचन किया तब सबने सबने सुना, ओ ये तो महान आत्मा है, सब महात्मा सुदुर्लभ है, ये तो भगवान के पार्षद है। यदि प्रभुपाद पागड़ी पहन के अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के घूमते तो लोग हाँ ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन थोड़े समय जब और कोई व्यक्ति ऐसे घूमता है सब उसको सम्मान देते हैं, ऐसे पागड़ी लंबे बाल ये महात्मा है, लंबी दाढ़ी ये महात्मा है, और लोग उनका सम्मान, लेकिन मैं देखता हूं कि ऐसे लोगों को जब एक सिंपल प्रश्न किया जाता है, हमारे हिंदू धर्म में ये प्रॉब्लम है, अभी किसी को प्रश्न किया कि भाई तुम्हारे भगवान ने ही
कृष्ण सबके भगवान है, लेकिन वो सोचते हैं कि भगवत गीता हिंदू को ही है और कृष्ण हिंदू भगवान है। वो बोलते तुम्हारे भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जाति प्रथा का वर्णन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, भगवान ही बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? बोले वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे भगवत गीता कहीं नहीं लिखा है। देखो वो ऐसा बोला, मैंने सुना। अरे नहीं, अगर ऐसा नहीं करता भगवत गीता तो नहीं मानते। अरे भाई इसको समझना चाहिए कि भगवान ने वास्तव में चार वर्ण आश्रम भगवान ने बोला है, चतुर्वर्ण हमारा सिस्टम, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। फिर एक को प्रश्न पूछा कि भाई तुम्हारे हिंदू में भी बकरी को काटते हैं, वो भी जवाब नहीं दे पाया। वो बोला नहीं नहीं हमारे हमारे हमारा हिंदू धर्म तो परम अहिंसा के ऊपर है, लेकिन क्यों बकरी को काटते हैं, क्यों पशु को बलिदान देते हैं, वो समझाना पड़ेगा। ये सिद्धांत समझेंगे हम तो हम समझाएंगे। मेरी बात समझ रहे आप? कि सिद्धांत समझना आवश्यक है, नहीं तो हम सबको बोल दिए ये तो बहुत बड़े संत है, ये तो बहुत बड़ा महात्मा है। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा का विरुद्ध दे दिया, तो वास्तव में महात्मा के विरुद्ध किसको दिया जाना चाहिए? वो भगवद गीता में लिखा है सब महात्मा शुद्ध दुर्लभ है। महात्मा के पास जाएंगे बोलेंगे कौन है भगवान, सब भगवान है, तो ये महात्मा नहीं है। महात्मा भजन के अनन्य मनसो और दिव्य प्रकृति में, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। भगवान कहते हैं ढूंढो उसको। हमारे इसको में भी ऐसे है, अभी हम कोथा कहा जाते हैं। कल एक भक्त, मतलब थोड़े दिन पहले भक्त ने बताया मुझे कि प्रभु उसने लेक्चर दिया, बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लेक्चर थोड़े दिन पहले मुझे बताया। और मुझे मालूम है भक्त का आचरण क्या है। मैंने कुछ लेक्चर आपको एकदम परफेक्ट, मायावादी का भी आप लेक्चर सुनेंगे ना क्योंकि वो मुक्ति तक सेम है उनका, तो मुक्ति का बात क्या होता है उसमें गड़बड़ हो रही है। इसीलिए यदि हम समझेंगे नहीं आप, इसीलिए बहुत सारे वक्त मायावादी का प्रवचन सुने जाते हैं। ये एक ये आया था वो चेतन बाबू का, आपने समझते गुरुपाल महाराज, बहुत सारे स्कूल की ड्यूटी जाते थे। तब मैं उनको बताते भाई नहीं जाते थे, मायावादी है। नहीं नहीं सब जाते हैं, पहली लाइन में बैठते हैं, ये कथाकार के पास जाएंगे तो मायावादी बादशाह सुनी है सर्वनाश। ये हमें समझना चाहिए सिर्फ ओरा से नहीं। तो वो भक्त का आचरण क्या है, वो लेक्चर तो मैं बहुत सारे सिद्धांत बता दूंगा, मेरा आचरण है वास्तव में मेरा लेने की इच्छा क्या है वो समझना। मैं बड़ा प्रवचन दे दूंगा, फिर होटल में जाके खाना खा लूंगा, लहसुन प्याज वाला है चलेगा, सब मैं शुद्ध कर दूंगा, ऐसा उनको ये फीलिंग होता है। और मैंने ऐसा सुना है वो कथाकार के बारे में, एक बड़ा कथाकार है। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त अभिषेक कर रहा था, तो मुझे इन्वाइट किया था, तो वहां जो अभिषेक कर रहे थे वो घर वो जो भक्त थे वो जो भी ऐसे सीनियर भक्त आते थे तो उनको लेके आके स्टेज तक ले जाते थे, उनका रिस्पेक्ट देते थे, उनका अच्छा है उनका। तो मैं भी कहा तो मुझे भी ऐसे लेके गया, लेकिन फिर मैं जाने की मतलब थोड़ा समय के बाद मैं जब जाने की तैयारी कर रहा था तो हो गया, तो मैंने देखा एक भक्त आया जो कथाकार, इसको उनका ही भक्त, इसको उनका दीक्षित भक्त कथाकार है, सौ लोग खड़े हो गए, सब उसको जैसे शुक्रिय गोस्व याद है, लेकिन उसके पीछे वो क्या बोलता है वो किसी के समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं सिद्धांत में पहले से ही बाहर देता हूं कि थोड़ा भी इधर उधर सिद्धांत चला गया तो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। मालूम है आपको प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो बीमार हो गए थे, पहली बार पहली विजिट, तो बोले कि अभी मैं इंडिया जाऊंगा, तो भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद आप अपने गुरु भाई को यहाँ छोड़ के जाइए, किसी को बुला लीजिए, प्रभुपाद के आंख में सांसू नहीं। बोला एक सिद्धांत भी अगर वो गलत बोलेगा ना तो मेरा पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा।
इसलिए मैं वो सावधान देता हूँ, सिद्धांत समझने में, सिद्धांत आप तक पहुंचाने में मैं भी क्लियर रहता हूँ। अगर कोई सिद्धांत में गलत गड़बड़ है, हाँ हमको सिद्धांत में गड़बड़ हो सकता है, आप कुछ बोले हैं सिद्धांत में बोलने में हमको गलती हो सकती है, लेकिन हमें संग करके पूछ लेना चाहिए प्रभु मेरा कोई गलती हुआ। यदि हम पूछते नहीं है तो खत्म, यदि हम सुधारने के लिए तैयार होने चाहिए, मैं सिद्धांत में कुछ गलती कर रहा हूँ बताइए प्रभु मेरा कोई गलती हो तो बताइए तो सुधर सकते हैं, लेकिन मैं यही समझूँ मैं कोई सिद्धांत में गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, अब बहुत अच्छा प्रवचन देते, लोग बोलते हैं, फिर मुझे आवश्यक नहीं है लोगों का सर्टिफिकेट मिल गया आवश्यक। इस प्रकार मैं ऐसे लोगों से बहुत डरता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता विचलन हो, डेविएशन हो, थोड़ा भी डेविएशन हो मैं नहीं चाहता, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला वो भट्टा आया हम सब खड़े हो गए, आज वो बोलते इसको बैन कर दिया उस भट्टा को, क्यों? मैं तो पहले से बोल रहा था कि ऐसा नहीं सुनना चाहिए इनका, पहले से मैं बोल रहा था, और अभी भी ऐसे बम फटेंगे, ऐसे कथागार का बम फटेगा, अभी नहीं फटेगा, धीरे धीरे फटेगा, क्योंकि हम लोग क्या है कि सिद्धांत से ज्यादा बल देते हैं आदमी के वक्तव्य पे, वो क्या बोल, वो मजा आता है, कितना बढ़िया कथा होती है और म्यूजिक बजता है, कितना आवाज उसका अच्छा है, कितना उत्साह से बोलता है, कितना प्रेम से बोलता है, ये हम देखते हैं, हम देखते हैं वो क्या बोलते हैं, वो नहीं देखते हैं, इसीलिए हम लोगों ज्यादातर लोग स्वर्ग लोग जाते हैं, इस्कॉन के ज्यादातर लोग स्वर्ग लोग जाते हैं, ये डेंजर है, स्वर्ग में जाना डेंजर है। यहां लिखा है कि अध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है, हमारा संबंध आध्यात्मिक शरीर से होना चाहिए, भौतिक शरीर से नहीं, ये शरीर तो ये देह मतन हो ले कि रोवे अमार, मैं शरीर के लिए रोता हूँ, मेरा नाम के पीछे रोता हूँ, मेरे यश के लिए, शरीर के यश के लिए मैं रोता हूँ, लाभ पूजापति सही शरीर की पूजा के पीछे मैं रोता हूँ, लेकिन यह स्पष्ट लिखा है कि आध्यात्मिकवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है, फलस्वरूप वो अपनी भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर उसको बाहर जाना चाहिए, हमें वैकुंठ में जाना चाहिए, तो ये कोई आसान रास्ता नहीं है। अग्नि सोना है, सोना को भी शुद्ध होने के लिए तपना पड़ता है अग्नि में, तो ये हम भक्त लोग हैं, कुछ भी कैसे भी भक्ति करेंगे, कैसे भी कीर्तन करेंगे, ऐसा कीर्तन अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, आक्रोश होगा, अरे उसको ही बुलाओ कीर्तन के लिए, उसको ही बुलाओ, फिर कोई द्रौपद का कीर्तन नहीं सुनेंगे, उसको बुला, बहुत बढ़िया कीर्तन होते हैं, हमको भाव आ जाता है, क्या ये भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, नहीं, ये सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म है, इससे हमारा कोई कल्याण नहीं होगा, न तो वो कीर्तन करने वाले का, न श्रवण करने वाले का कल्याण होगा, हमें अत्यंतिक कल्याण करना है हमारा, इसीलिए कौन गा रहा है, कौन बोल रहा है, उसका आचरण क्या है, आचरण भी देखना है, आचरण भी देखना है कि वो संग, वो अभी मैं किसी को शुद्ध भक्त बोलता हूँ, चलो वो शुद्ध भक्त है, क्या वो शुद्ध भक्त की व्याख्या जानता है, शुद्ध भक्त कैसे, क्या वो उसका संग करता है, उसको कैसे मालूम पड़ा, ये बोला वो बोला ये बोला सब बोले ये बहुत अच्छा भक्त है तो हमने स्वीकार लिया, नहीं ऐसे नहीं स्वीकारना है, हमें भी पर्सनली परीक्षा करनी है कि वो शुद्ध भक्त है कि नहीं, नहीं तो जिस प्रकार सिद्धि योगियों के मार्ग में अंतराई बनती है, वैसे ही लाभ पूजा प्रतीक्षा हमारे मार्ग में अंतराई बनेगा, हम भौतिक धाम नहीं जा पाएंगे, इसलिए इसे बचना है, ये भक्ति लगता जैसा ही दिखेगा, ये भक्ति में जैसे मैंने बताया ये सब जो अपने इस्कॉन के लिए कथाकार की बात करूं उनको बहुत लाभ पूजा प्रतीक्षा मिलती है, लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या है, कैरेक्टर क्या है, वो सब देखना है, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है वो देखना है, उसका आचरण कैसे है वो देखना है, वो सबको बोलेगा हम सबको शुद्ध भक्ति करनी है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोले इंद्रिय त्याग करके, इंद्रिय तृप्ति को त्याग करके, वो ज्यादा उसके प्रवचन में नहीं आएगा, मीठी मीठी बात आएगी, लेकिन नहीं, हमको सबसे पहले
रोज भगवत गीता पढ़नी है, भगवत गीता के हिसाब से जीवन जीना है, सुबह जल्दी उठना है, भागवतम नित्यम भागवत सेवाया, रोज भागवतम पढ़ेंगे नहीं हम, सुनेंगे नहीं, नित्यम भागवत सेवाया, तो हमारी प्रगति कैसे होगी? इसके भागवत के सिद्धांत कैसे हम समझ में आएंगे? इसीलिए हम बाह्य लेवल पर ही कार्य करेंगे और ऐसे ही सोचेंगे तो बड़ा वक्त है ये छोटा वक्त है, नहीं ये सिद्धांत समझना, भक्ति सेवा डेवलप होनी चाहिए हमारी, हमारी प्रगति क्या है कि हमें भक्ति में सेवा करने का उत्साह कितना है हमारा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं से जो ये शुद्ध भक्त है उसके संग में रहो, उसके साथ रहो, सिवनी अभी तक शुद्ध भक्त के साथ पढ़ा हूं, सेवा कैसा भाव है और ये हमको ये बहुत हम बोल सकते हैं, इसके ऊपर मैं बहुत समझा सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहता हूँ। मैं पहले से तब 10-15 भक्त थे तो मैं उनको पर्सनली जाके संग देता, देखो इनका प्रवचन ध्यान रखना सुनने के लिए, मैं उनको एंटरटेन, मैं उनको हमेशा समझाता था, सिद्धांत से समझाता क्यों उनका नहीं सुनना चाहिए, ये सब सिद्धांत सिखाता था। तो जो व्यक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो उनका आचरण में दिख जाएगा, वो आचरण क्या करता है उसमें दिख जाएगा, ये जो आचरण ठीक नहीं करता है, शास्त्र के हिसाब से नहीं करता है तो हमें सावधान रहना चाहिए। बोले मैं वो सब लोग प्रसन्न कर, लेकिन मेरी तो इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, मैं तो इस जन्म में नहीं, कभी भी भक्ति अभी इंद्रिय तृप्ति भी करो भक्ति भी करो, ये सामान्य भक्त का सिद्धांत हो सकता है, ठीक है ना, नहीं नवोदित भक्तों का ये सिद्धांत हो सकता है कि भाई, लेकिन जो प्रवचन कर रहा है, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए सिद्धांत नहीं, लीडर के लिए सिद्धांत नहीं कि भाई इंद्रिय तृप्ति भी करते रहो। हाँ, यदि मैं इंद्रिय तृप्ति करता हूँ मैं छूट नहीं सकते तो मैं प्रार्थना करी है भगवान, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई इंद्रिय तृप्ति भी करो और प्रवचन भी मतलब भक्ति में भी प्रगति करो, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, इंद्रिय तृप्ति और भक्ति में प्रगति एक साथ पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी जगह प्रॉपर लिखते हैं। इसीलिए हम लोगों को देखना चाहिए, हाँ यदि मेरे में इंद्रिय तृप्ति भुगतने की इच्छा है ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं, इंद्रिय तृप्ति भुगतने की इच्छा है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, मैं ये सोचता हूं कि इंद्रिय तृप्ति भी करते रहेंगे वो भी इतने और भक्ति भी करते रहेंगे, ये प्रॉब्लम है। अब समझिए बात, यदि इंद्रिय तृप्ति भुगतने की इच्छा है और मेरे सिद्धांत यह है कि मैं इंद्रिय तृप्ति भुगतनी नहीं चाहिए, पर मैं वश मेरा मन कठिन कंट्रोल में नहीं है इसीलिए मुझे करना पड़ता है, लेकिन मेरा अंतिम नहीं इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना ही है, लेकिन अभी मैं छोड़ नहीं सकता, एक अलग बात है। लेकिन कोई भक्त ऐसा सोचे कि नहीं इंद्रिय तृप्ति भी करते रहो और भक्ति भी करते रहो, गलत है, उसके दिमाग में आएगा नहीं कि इंद्रिय तृप्ति को त्याग करना चाहिए, वो बाद में करेंगे, मैं ऐसा शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हाँ, तो आप शुद्ध भक्त नहीं बन सकते इस प्रकार से तो आपका सिद्धांत गलत है, कठिन है समझने में, कठिन हो समझ आ रहा, मैं इंद्रिय तृप्ति करता, मैं चलो इंद्र बाहर का खाना, चलो एक एग्जाम्पल, मैं बाहर का खाना या घूमने जाना, हिमालय जाना, कश्मीर जाना, कहीं पर भी घूमने जाना, चौपाटी जाना, इधर मैं जाता हूँ, दो व्यक्ति एक बोलते हैं जाता है और वो समझते हैं कि जा रहा हूँ वो गलत है, मेरी भक्ति के मार्ग पर अवरोध है, एक व्यक्ति ऐसा सोचता है, दूसरा व्यक्ति सोचता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है थोड़ा गए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका ध्येय ये नहीं है कि मुझे बंद करना है, दूसरे का ध्येय बंद करना है, लेकिन अभी मैं बंद नहीं कर सकता, अभी मैं बंद नहीं कर सकता हूँ, फोटो नहीं, अभी मैं मेरा मन अभी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मुझे करना है, ये बंद करना, इंद्रिय तृप्ति बंद करना, मुझे बाहर का खाना बंद करना है, ये व्यक्ति सोचते वो सही रास्ते पर है, लेकिन जो सोचते कि बाहर का खाना बंद करने की आवश्यकता नहीं है, यानी घूमने जाएंगे इंद्रिय तृप्ति करेंगे बंद करने की आवश्यकता नहीं, साथ में भक्ति करते रहो, माला करते रहो,
ये दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति बंद कर नहीं सकता है लेकिन उसकी इच्छा करके बंद करना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति बंद करने की इच्छा नहीं रखता। तो ये दो समझ, ये सिद्धांत पकड़ना मुश्किल है। इसीलिए गुरु मंदिर एक बार बताए प्रवचन है कि लोग चार नियमों का पालन भंग करेंगे तो दिख जाएगा तुरंत, तुम गड़बड़ कर, वो बच सकेगा। लेकिन ये सूक्ष्म सिद्धांत जो सिद्धांत का भंग करता है ना, वो पकड़ में नहीं आएगा। सूक्ष्म डेविएशन इसको बोलते हैं, इसको पकड़ में नहीं आएगा। वो कृष्ण को क्या समझता है, भक्ति को क्या समझता है, वो यदि पकड़, ये इसको पकड़ में आएगा। जो शास्त्र को अच्छी तरह समझता है उसको तुरंत पकड़ में आएगा, एक ही शब्द बोलेगा पकड़ लेगा। ये भाई समझना, सावधान रहना, ये बात। तो हम लोगों को, हम सिंसियरिटी से आगे बढ़ना चाहते हैं, गंभीरता से। हाँ, अभी मैं इन्हें वो करता हूं तो ठीक है, लेकिन मुझे इसको बंद करना ही पड़ेगा, तभी मैं भगवत धाम जा पाऊंगा। और मैं प्रयास करूंगा, भगवान को प्रार्थना करूंगा, जैसे इलिसिट सेक्स है और भाई जाते जीवन बंद करना बहुत मुश्किल है, बंद नहीं करते, लेकिन भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान ये बंद करना है, मुझे बंद करना, मुझे मदद करो, मदद करो, भगवान मदद करेंगे। लेकिन सोचेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक ग्रुप में ऐसा मतलब यहाँ है कि भाई महीने में एक बार आप लोग जाते जीवन जी सकते हैं, महीने में एक बार आप होटल में जा सकते हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ये गलत है, ये गलत है। हमको बोलना है भाई ये करना है, मैं नहीं कर सकता हूँ एक अलग बात है, लेकिन मुझे करना है, अभी मैं नहीं करता हूँ अलग बात है। तो हमें वो सिद्धांत पर पहुंचना है। ये बहुत डिफिकल्ट है, सब लोगों की बस की बात नहीं है। इसीलिए ऐसे साधु का संग करना चाहिए जो असंग यानी उसे सुनना चाहिए। हाँ, सिर्फ साथ में बैठ के, जैसे मैंने बताया माकड़ की तरह, वो भी संग राजा का कहते लोही चूसता है राजा, ऐसा संग हमको नहीं करना है। हमको ऐसा संग करना है कि उससे सिद्धांत समझे, नहीं तो सिर्फ बोला ये बहुत शुद्ध भक्त है, उसके सामने नाचूंगा तो मेरा विजय धनी होगा, ये सेंटीमेंट हो जाएगा। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ओम नमः शिवाय।